शक्ति की आराधना के लिए तैयार हुआ शहर। सार्वजनिक मंडलों की जगह घरों में रहेगी अब रौनक, करेंगे घट स्थापना। अवैध फीस बढ़ाई तो स्कूल प्रबंधन पर दर्ज होगा आपराधिक मामला। शहर के 15 नामी स्कूलों के खिलाफ राज्य मंत्री ने सुनवाई की, कई विद्यालयों के प्रतिनिधि रहे गैर हाजिर। कोरोना मरीजों के लिए बेड की कमी पर केंद्रित जनहित याचिका पर शुक्रवार को बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में हुई सुनवाई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा शहर के निजी अस्पतालों में 80% बेड, एम्बुलेंस व अन्य सुविधाएं अधिग्रहित करने के मुद्दे पर हुई चर्चा। शहर में सिटी बसों का संचालन बंद होने से हो रही थी परेशानी, ज्यादा किराया भी वसूल रहे थे कैब ऑटो वाले। आखिरकार 207 दिन बाद दौड़ी मेट्रो ट्रेन, पहले दिन कम पहुंचे यात्री। जिले में 7,290 सैंपलों की हुई जांच, 674 आए पॉजिटिव, शहर में 9 मरीजों सहित 20 की कोरोना से मौत। प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला व घटिया मावा पर कार्रवाई के दिए आदेश, मंत्री के चेतावनी के बाद हरकत में आया FDA। सुपारी के बड़े कारोबार पर पैनी नजर रखने को कहा गया। मनपा स्थापित करेगी टैब बैंक, प्रस्ताव तैयार, 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नई योजना, विद्यार्थियों को मिलेंगे इंटरनेट के साथ टैब भी। रेल टिकट कालाबाजारी में नागपुर में 4 गिरफ्तार, RPF का पुलिस के सहयोग से हुआ अभियान। तो वहीं पारिवारिक कलह मामूली बात पर देवर के थप्पड़ मारने से थी नाराज मां बेटी ने की सामूहिक आत्महत्या, अम्बाझरी तालाब में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल और इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में अस्थायी मेडिकल ऑफिसर और लेक्चरर ने स्थायी करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी काली पट्टी बांध कर किया काम, स्थायी नहीं करने पर करेंगे काम बंद आंदोलन।